नमस्कार दोस्तों, YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए। यानी कि आपको बता दें कि शॉर्ट्स वालों को एक नया फीचर्स मिल चुका है। सभी को जो है YouTube ने लॉन्च कर दिया है ये फीचर, जो है सबके अपने चैनल में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस फीचर की वजह से जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं अपने ऑडियंस यानी कि अपने व्यूअर्स से जो है कनेक्ट होने में उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम पहले जो है कोई सजेशन लेते थे अपने ऑडियंस से या फिर अपने व्यूअर्स से, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते थे, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं मिलती, तो हम जो है कम्युनिटी पोस्ट करके उनसे पूछते कि आप जो है क्या चाहते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हम कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम पोल करते थे या फिर जो है कम्युनिटी में पोस्ट किया करते थे, तो उस पर जो वो कमेंट करते यानी कि टिप्पणियों के माध्यम से जो हम उनका राय यानी कि जान सकते थे। लेकिन यूट्यूब का जो है नया अपडेट जो आया है इसकी वजह से जो है अब डायरेक्ट शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो है अपने व्यूअर्स से उनकी राय जान सकते हैं और उनको आंसर भी दे सकते हैं। तो क्या है अपडेट यूट्यूब की तरफ से, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यूट्यूब ने हाल ही में लॉन्च किया है और अपने ऑफिशियल चैनल से भी ये बता दिया है सभी क्रिएटर्स को कि उनको ये फीचर्स जो है नया अपडेट में दिया जा रहा है। तो क्या है अपडेट, चलिए हम उसके लिए आपको लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ से हम यूट्यूब को जो है ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद से हम यहाँ पर प्लस के आइकन पे करेंगे और शॉर्ट्स वीडियो यहाँ से हम एक जो है ले लेते हैं। एक शॉर्ट्स वीडियो हम यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शॉर्ट्स जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला शॉर्ट्स वीडियो हम यहाँ से लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिकेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से फिर से जो है यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से प्रोसेस होगा, थोड़ी देर प्रोसेस होगा, उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अब हमारा प्रोसेस जो है डन हो चुका है। यहाँ से फिर से हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट पे। राइट पे क्लिक करने के बाद से हमारा जो है शॉर्ट्स यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपको मिलता ही था, लेकिन यहाँ पर नया ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ से आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को कट कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर जो है वीडियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहीं पर आप जो है कुछ वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये स्टिकर का। तो यहाँ से स्टिकर पर जब हम क्लिक करते हैं, तो स्टिकर पर क्लिक करने के बाद से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको एक इसमें पोल का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले हमें लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है YouTube ने यहाँ पर नया अपडेट दिया है तो बताया है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पोल का ऑप्शन मिल रहा है, पोल पे हम क्लिक करेंगे। पोल पे क्लिक करने के बाद से आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर जो है वो आपका वोट कर पाएंगे, जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं यस और नो में वहाँ पर वो जवाब दे पाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और उसके बाद से दूसरा जो मिल रहा है यहाँ पर फीचर्स, चलिए हम दिखाते हैं। दूसरा फीचर्स आपको मिल रहा है, यहाँ से डिलीट कर देंगे। दूसरा जो यहाँ पर ऐड योर्स का है, इस पर भी क्लिक करके यहाँ पर जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं लिख करके उसको जो है यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, ये आपके शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से, और ये Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप जो है वहाँ पर आंसर उनका दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं आस्क क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन कोई करता है तो डायरेक्टली उनका जो है जब आप सवाल आप कर सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में ही। तो यही है यूट्यूब का अपडेट। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये अपडेट भी यूट्यूब की तरफ से यहाँ पर दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यूट्यूब का जो पर्सनल चैनल है वो यूट्यूब टीम का चैनल है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कम्युनिटी पोस्ट में आ चुके हैं, 19 घंटे पहले का है ये। यू कैन नाउ एड ए पोल स्टिकर डायरेक्टली इन टू योर शॉर्ट एंड हैव योर व्यूअर्स टैप ऑन एन ऑप्शन टू वोट, यानी कि व्यूअर्स को आपको वोट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। आप चाहें तो स्टिकर जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली अपने शॉर्ट्स वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, और जो भी इनका अपडेट है वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। यू कैन एड ए मैक्सिमम ऑफ टू ऑप्शन फॉर योर ऑडियंस टू चूज फ्रॉम, यानी कि जो है आप दो मैक्सिमम ऑप्शन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऑडियंस को चूज करने के लिए। वहाँ पर जैसे कि पोल का ऑप्शन दिया गया है तो वो चीज़ें जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन ऐड अप टू 3 लाइन ऑफ टेक्स्ट फॉर द क्वेश्चन एंड 2 लाइन ऑफ टेक्स्ट फॉर ईच ऑप्शन। उसके बाद से यू ऑल बी एबल टू सी द परसेंटेज ऑफ वोट फॉर ईच ऑप्शन एज वेल एज द एग्जैक्ट काउंट ऑफ टोटल वोट इन द पोल, बट You want to be able to see who vote, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर सिर्फ ये देख पाएंगे कि आपको कितना टोटल वोट हुआ है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा कि कौन कौन जो है आपको यहाँ पर वोट किया है, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर सिर्फ वोटिंग का काउंट देख सकते हैं। तो ये ही है यूट्यूब का अपडेट,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये YouTube की तरफ से जो है यहाँ पर 19 घंटे पहले जो है दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि यह अपडेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं मैं ऐसी फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।